90 के दशक में इस गाने से तहलका मचाने वाली ये खूबसूरत एक्ट्रेस कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि वो सुपरस्टार एक्ट्रेस की बेटी है। हमारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही। इन्हें सुंदरता और प्रतिभा अपनी माँ से मिली थी, लेकिन इनकी किस्मत अपनी माँ की तरह नहीं थी। ये बॉलीवुड में अपनी पहचान नहीं बना पाई और चंद फिल्में करके ही बॉलीवुड से अचानक गायब हो गईं। खिड़की खुली जरा जरा पर्दा सरक गया, खिड़की खुली जरा। इन्होंने अपनी माँ का सिर गर्व से ऊंचा करने के बजाय उनका सिर शर्म से झुका दिया और उन्हें भी बॉलीवुड छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। पहले प्यार की पहली ये बरसात है। उन्होंने एक फेमस म्यूजिक डायरेक्टर पर इतने संगीन आरोप लगाए कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मच गया। यही नहीं, इन्हें किडनैप भी किया गया और फिर इन्हें अपनी माँ के साथ मुंबई छोड़ना पड़ा। सबसे हम दूर हुए तुमसे मिलने के बाद। कौन थी ये एक्ट्रेस और ये किस सुपरस्टार एक्ट्रेस की बेटी है? किस म्यूजिक डायरेक्टर पर इन्होंने लगाया था इल्जाम? किसने किया था इन्हें किडनैप और क्यों इनको छोड़ना पड़ा मुंबई? जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट तुति, और आप मेरे साथ देख रहे हैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां देने वाला चैनल क्लासिक एरा। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं बात कर रही हूँ गुजरे जमाने की जानी मानी एक्ट्रेस माला सिन्हा की बेटी प्रतिभा सिन्हा के बारे में, जिनकी सिर्फ एक अफेयर के कारण बर्बाद हो गई पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ। चार जुलाई 1969 को कोलकाता में जन्मी प्रतिभा सिन्हा की माँ माला सिन्हा और उनके पिता चिदंबर प्रसाद लोहानी हैं। प्रतिभा सिन्हा अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। उन्होंने भी अपनी माँ की तरह ही टॉप एक्ट्रेस बनने का सपना देखा था। उनमें वो काबिलियत भी थी, वो खूबसूरत तो थी ही, साथ ही एक्टिंग के गुर भी उन्हें माँ से विरासत में मिले। प्रतिभा सिन्हा ने 1992 में आई फिल्म महबूब मेरे महबूब से एक्टिंग डेब्यू किया। प्रतिभा सिन्हा उस वक्त बॉलीवुड में आई जब कई स्टार्स की बेटियां बॉलीवुड में डेब्यू कर रही थीं, जिसमें करिश्मा कपूर, रवीना टंडन और ट्विंकल खन्ना जैसी एक्ट्रेसेस शामिल थीं। प्रतिभा की इस डेब्यू फिल्म में उनके ऑपोजिट हीरो थे सुजॉय मुखर्जी, जो फेमस एक्टर जॉय मुखर्जी के बेटे थे। हीर रांझा की कहानी पर बनी ये फिल्म हालांकि फ्लॉप साबित हुई, लेकिन इसमें प्रतिभा सिन्हा की मासूमियत और सुंदरता लोगों को पसंद आई। इसी साल उनकी दूसरी फिल्म आई कल की आवाज, जिसमें धर्मेंद्र, अमृता सिंह और राज बब्बर जैसे बड़े कलाकार थे। हालांकि ये फिल्म भी एवरेज रही। इसके अगले ही साल इनकी फिल्म आई दिल है बेताब, जिसमें इनके ऑपोजिट अजय देवगन थे। इसके बाद इन्होंने मिलिट्री राजा, तू चोर मैं सिपाही और पोकरी राजा जैसी करीब 12 फिल्मों में काम किया, लेकिन बॉलीवुड में अपनी कोई खास पहचान नहीं बना पाई। उन्हें लोकप्रियता मिली आमिर खान की फिल्म राजा हिंदुस्तानी के गाने परदेसी परदेसी से, जिसमें इनका एक बंजारन के रूप में गेस्ट अपीयरेंस था। हालांकि इस फिल्म के हीरो और हीरोइन आमिर खान और करिश्मा कपूर थे और ये फिल्म सुपरहिट रही, लेकिन इसके एक गाने परदेसी परदेसी से उन्हें इतनी लोकप्रियता मिली कि लाखों लोग इनके दीवाने हो गए और ये गाना प्रतिभा की पहचान बन गया। इसके बाद भी उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन फिल्म राजा हिंदुस्तानी जैसी लोकप्रियता उन्हें किसी फिल्म में नहीं मिली। हालांकि उनका करियर बहुत छोटा रहा और वो अपने 8 साल के फिल्मी करियर में 12 फिल्मों में ही नजर आईं। महज 31 साल की उम्र में इन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी। तुम्हारा एक स्टाइल है, एक डिफरेंट अप्रोच है, जरा हटके। लड़की को पहले कभी भाव नहीं देना चाहिए, उससे चक्कर लगवाना चाहिए, तड़पाना चाहिए, सताना चाहिए, इतना कि वो खुद छटपटा कर। अब सवाल ये उठता है कि प्रतिभा की लाइफ में ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते उन्हें बॉलीवुड छोड़ना पड़ा।
दरअसल प्रतिभा जब अपने करियर के पीक पर थी उसी दौरान वो मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी नदीम श्रवण के नदीम सैफी के साथ प्यार में पड़ गईं। इसके चलते उन्होंने अपने करियर पर ध्यान ही नहीं दिया। आपको बता दें कि ये वही नदीम थे जिन पर बाद में टी सीरीज के हेड गुलशन कुमार जी की हत्या में शामिल होने के आरोप लगे थे। पहली मुलाकात के बाद ही प्रतिभा सिन्हा और नदीम एक दूसरे को बेहद पसंद करने लगे। हालांकि नदीम पहले से शादीशुदा थे, बावजूद इसके वो प्रतिभा के चार्म से बच नहीं सके। प्रतिभा सिन्हा और नदीम सैफी एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन उनके प्यार के खिलाफ थी प्रतिभा की माँ और एक्ट्रेस माला सिन्हा। माला सिन्हा को ये बिल्कुल भी गवारा नहीं था कि उनकी बेटी शादीशुदा आदमी से प्यार करे और वो भी उससे जो दूसरे धर्म का है। इसीलिए माला सिन्हा ने बेटी प्रतिभा को नदीम से अलग करने की हर कोशिश की। उन्होंने प्रतिभा को अपने करियर पर ध्यान देने को कहा, लेकिन प्रतिभा अपनी फिल्मों की शूटिंग से ज्यादा नदीम के साथ वक्त बिताने लगी। लेकिन प्रतिभा की मां माला सिन्हा उनके और नदीम के रिश्ते के खिलाफ थीं। उन्होंने प्रतिभा को नदीम से दूर रहने के लिए दबाव डाला, लेकिन प्रतिभा के लिए नदीम सैफी अपनी पत्नी को भी तलाक देने को तैयार हो गए। फिर इसी बीच पता चला कि हफ्ते भर से प्रतिभा सिन्हा घर से गायब हैं। अंदेशा यही था कि वो नदीम के साथ हैं। फिर माला सिन्हा महाराष्ट्र के तब के चर्चित नेता बाला साहब ठाकरे के पास गुहार लेकर पहुंची। उन्होंने प्रतिभा को ढूंढ निकलवाया और उन्हें घर भिजवाया। उसके बाद माला सिन्हा ने अपनी बेटी को चेन्नई भेज दिया, लेकिन चेन्नई जाने के बाद भी प्रतिभा के दिल से नदीम का प्यार नहीं उतरा और दोनों टच में रहे। किसी को उनके अफेयर का पता ना चले इसीलिए नदीम और प्रतिभा एक दूसरे से कोड वर्ड में बात करते थे। प्रतिभा का कोड नेम अम्बेसडर और नदीम का एस था। धीरे धीरे जब मीडिया को दोनों के सीक्रेट कोड नेम पता चल गए तो प्रतिभा ने एक इंटरव्यू में सरेआम नदीम के साथ अपने रिलेशन की बात स्वीकार की। जब इस बात का पता माला सिन्हा को लगा तो वो बेहद नाराज हुई। लेकिन प्रतिभा ने चेन्नई में रहने के दौरान मीडिया को दिए इंटरव्यू में ये बात बोलकर सभी को चौंका दिया था कि वो जल्द ही नदीम से शादी करेंगी। इसके बाद तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दरअसल जब प्रतिभा चेन्नई से वापस लौटी तो उनके तेवर बदल गए। माला सिन्हा और प्रतिभा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें प्रतिभा ने साफ साफ कह दिया कि उन्हें नदीम से प्यार नहीं है और उनका उनके साथ कभी कोई रिश्ता नहीं रहा। यही नहीं, प्रतिभा ने नदीम पर कई संगीन आरोप लगाए और कहा कि उनको नदीम ने किडनैप कर लिया था और कई दिनों तक उनके साथ बुरा किया। इसके बाद तो इंडस्ट्री में जैसे हंगामा मच गया। आनन फानन ने नदीम ने भी पलटवार करते हुए इंटरव्यू दिया और प्रतिभा को खूब भला बुरा कहा। उन्होंने कहा कि वो लोगों को जा जाकर ये बता रही है कि मेरा कितना नुकसान हुआ और किस तरह मेरा करियर बर्बाद करने की साजिश रची गई, जबकि मुझे सबको बताना चाहिए कि मैंने कितना नुकसान उठाया है। मेरे परिवार और मेरी पत्नी को बहुत कुछ झेलना पड़ा। माला सिन्हा उन्हें फोन करके गालियां देती थी, फिर प्रतिभा फोन करती और घर वालों से माफी मांगती थी। नदीम सैफी ने कहा कि उन्हें लगता है कि माला सिन्हा और प्रतिभा ने उनके साथ मिलकर गेम खेला, उनका नाम इस्तेमाल करके माइलेज पाने की कोशिश की। नदीम ने प्रतिभा संग अफेयर को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बताया। नदीम का कहना था कि जब भी प्रतिभा उनसे मिलती तो वो बेहद मासूम दिखती, ऐसे प्रेजेंट करती जैसे सब कुछ उनके साथ गलत हो रहा है, उनसे सब जबरदस्ती करवाया जा रहा है। प्रतिभा नदीम सैफी को बताती थी कि माँ माला सिन्हा उनको किस कदर परेशान करती हैं, लेकिन इस रिश्ते की आड़ में इस कदर छीछालेदर हुई कि नदीम सैफी टूट गए और कहा कि वो उनकी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त रहा। खैर इन आरोपों में कितनी सच्चाई थी, कौन सच था कौन गलत था, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन इस सब के बाद प्रतिभा ने इंडस्ट्री और मीडिया से दूरी बना ली। वो अपनी माँ के साथ मुंबई से कोलकाता शिफ्ट हो गईं और कुछ साल वहीं रहने के बाद मुंबई लौटी और अब वो बांद्रा स्थित अपने घर में अपनी माँ के साथ रहती हैं। 52 साल की हो चुकी प्रतिभा ने शादी नहीं की और वो आज तक अनमैरिड हैं। अब वो लाइमलाइट से पूरी तरह दूर हो चुकी हैं और अपनी माँ माला सिन्हा के साथ कभी कभार किसी अवार्ड फंक्शन या इवेंट में दिख जाती हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। प्रतिभा सिन्हा के बारे में अगर आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।